हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इससे लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने लीनियर क्यू का डिलीशन देखा, यानी डीक्यू देखा। अब हम इसमें थर्ड ऑपरेशन करेंगे, दैट इज ट्रेवर्स। ट्रेवर्स का मतलब क्या होता है पहले वो एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद डायग्राम के हेल्प से हम समझेंगे और लास्ट में हम उसका कोड लिखना सीखेंगे। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ट्रेवर्स का मतलब क्या होता है, हमने ऑलरेडी लीनियर स्टैक में कर रखा है ट्रेवर्स, और जिन बच्चों ने हमसे कोर्स लिया हुआ है प्रीमियम कोर्स, उनको मैंने डबल एंडेड स्टैक में भी करवाया हुआ है। ट्रेवर्स का मतलब क्या होता है, एक बार रिपीट करता हूं। ट्रेवर्स का मतलब होता है प्रिंट करना जितने भी एलिमेंट है क्यू के अंदर, जितने भी एलिमेंट्स है किसके अंदर, क्यू के अंदर, उन सबको प्रिंट करना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेवर्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि ट्रेवर्स कहां से करेंगे हम। ध्यान दो, जब हमने स्टैक करा था, स्टैक में कहां से करा था, ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि टॉप टू बॉटम आए थे। लेकिन अब यहां पर कहां से करेंगे, ये फॉलो करता है प्रिंसिपल, दैट इज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब जो सबसे पहले है पहले हम उसको प्रिंट करेंगे, जो सबसे पहले आया पहले हम उसको प्रिंट करेंगे, फिर सेकेंड एलिमेंट को, फिर थर्ड एलिमेंट को। इसका मतलब जो सबसे पहले आया वो कहां पर होगा, फ्रंट पर होगा। तो इसका मतलब हम प्रिंट करेंगे कहां से, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, स्टार्टिंग मतलब फ्रंट से लेकर रेयर तक। तो डायग्राम से समझेंगे, दोबारा से मैं डायग्राम बना रहा हूं। केस वन, कितने बॉक्सेस ले रहा हूं, 5 ही लूंगा। लास्ट में हम क्या करेंगे, जनरलाइज कोड लिखेंगे, जिससे कि सबके लिए कोड हमारा वर्क करे ही करे। तो ये मैंने 5 बॉक्सेस बनाए, एरे ले लिया, ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, अभी इंडेक्सिंग कर दूंगा। फर्स्ट की इंडेक्सिंग क्या होगी, 0। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं सर आप एक चीज को बार बार क्यों समझाते हो। दोस्तों, जितनी बार आप डायग्राम से चीजों को समझोगे कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा बिल्ट अप होगा। सेकंड का क्या हो गया, 1 2 3 4, और इसके अंदर क्या क्या होता है, हमारा एक फ्रंट होता है और एक रेयर होता है। अभी हम फर्स्ट केस लेकर चल रहे हैं जब कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब फ्रंट क्या होगा हमारा, -1, रेयर क्या होगा, -1। तो जब फ्रंट और रेयर क्या है, -1, तो हम कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते। ध्यान देना, जब हमने इंसर्ट करा था तो ये चेक करा था क्या हम इंसर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कब नहीं कर सकते, जब फुल था। लेकिन जब हमने डिलीट करा तो हम ये देखेंगे क्या हम डिलीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कब डिलीट नहीं करेंगे, जब खाली होगा। सिमिलरली अब मैंने कहा ट्रेवर्स करो, क्या मैं ट्रेवर्स कर भी सकता हूं या नहीं कर सकता, वो कैसे पता चलेगा, जब क्यू के अंदर कुछ भी नहीं है तो हम ट्रेवर्स नहीं कर सकते, यानी कि फ्रंट और रेयर क्या होगा, -1 पर। दो जगह पे था, या तो दोनों -1 पर हो या फिर जितने एलिमेंट्स आपने इंसर्ट करे उतने सारे डिलीट कर दिए, ठीक है। तो फ्रंट और रेयर अगर -1 है तो अंडरफ्लो यानी कि एम्प्टी, ये है हमारा फर्स्ट केस। फ्रंट और रेयर क्या इक्वल है, दैट इज अंडरफ्लो एम्प्टी। अब आएंगे केस टू, सेम डायग्राम बना दूंगा मैं एज इट इज। मान लिया कि हम टोटल 5 एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, तो 5 बॉक्सेस बनाए, इंडेक्सेस कर दिया, और फ्रंट और रेयर कितना होगा हमारा, -1। तो मैंने माना अगर फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट हुआ होगा तो रेयर कहां गया होगा, 0 पे। बार बार रिकॉल करा रहा हूं, इंसर्ट भी आपका बार बार एक तरह से रिकॉल हो रहा है। तो ये ले लिया 10, एक एलिमेंट और ले लेते हैं तो कितना हो गया, दैट इज रेयर कितना हो गया हमारा, 1 एलिमेंट मान लिया 20, एक एलिमेंट और लिया दैट इज कितना हो गया हमारा, 30 ले लिया। तो मैंने माना टोटल 5 एलिमेंट्स हम इंसर्ट कर सकते थे, लेकिन हमने कितने इंसर्ट करे, 3। तो अब कौन कौन से प्रिंट होगा, 10 20 30। क्यों होगा 10 पहले, क्योंकि लाइन है, लाइन में कहां से होता है, फ्रंट से, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो दोबारा से डायग्राम बनाया, राइट साइड पे क्या लिखूंगा, कोडिंग लिखूंगा। अभी हमारा फ्रंट कहां पर है, -1 पे, तो इसका मतलब प्रिंट कहां से करना है हमें, 0 से। क्यों करना है 0, क्योंकि फ्रंट है -1 पे और फर्स्ट एलिमेंट है 0 पे। अगर मान लो फर्स्ट वाला एलिमेंट डिलीट कर दिया होगा, तो डिलीट करने के लिए हमने फ्रंट को कहां पर लेकर आए होंगे, 0 पे, उसको प्रिंट करा होगा तो डिलीट हो गया होगा, डिलीशन में भी कराया था। तो प्रिंट कहां से होगा, उसके आगे से। कहने का मतलब ये, जहां पर फ्रंट है इस समय, दैट इज -1, तो वहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, प्रिंट कहां से होगा हमारा, आगे से, फ्रंट से आगे, दैट इज यहां पे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कहां पर होना चाहिए, 0 से। तो हमने क्या करा, एक आई लिया, आई को कहां रखा, 0 पे रखा। तो कोडिंग पे क्या करेंगे, i इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, यानी कि जहां पर भी i है कहां पर होगा, i जहां पर भी फ्रंट है उससे एक स्टेप आगे, और क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, किसको प्रिंट कर देंगे, a स्क्वायर ब्रैकेट में i। तो i हमारा कहां पर है, 0 पे, तो a 0, दैट इज 10 प्रिंट हुआ। फिर कौन सा एलिमेंट प्रिंट होना है, हमें करना है 20, इसका मतलब आगे मूव करेंगे, किसको मूव करेंगे हम, i को। i कितना होना चाहिए, 0 से कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, i++ या फिर i इज इक्वल टू i+1, दोनों का मतलब सेम है।
तो प्रिंट कर दिया हमने, किसको लिखा, ए स्क्वेयर ब्रैकेट में आ गया हमारा आई, आई कितना है हमारा अब 1 है, तो ए 1 वाला प्रिंट हो गया, दैट इज 20 प्रिंट हो गया। अब क्या करेंगे, आई को और आगे मूव करेंगे, इसका मतलब आई कहाँ आना चाहिए, अब हमारा आना चाहिए 2 पर, तो क्या करा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि आई प्लस प्लस, आई कितना हो गया 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम इसको प्रिंट कर देंगे, तो प्रिंट ए आई कर दिया, ए स्क्वेयर ब्रैकेट में आई करा, तो क्या प्रिंट हो गया हमारा, आई कहां पर है 2 पर, तो ए 2 दैट इज 30 प्रिंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, आई को और आगे मूव करेंगे, आई कहां है 2, 2 से आगे क्या कितना हो गया, अब हमारा 3 हो गया, तो क्या हम यहां पर इसको प्रिंट कर सकते हैं, अब हम प्रिंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो कब प्रिंट नहीं कर सकते, जैसे ही आई जो होगा एक्सीड करेगा रेयर से। तो कब तक प्रिंट कर रहे थे हम, प्रिंट कर रहे थे जब तक आई लेस देन इक्वल टू रेयर है, तब तक हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो हमें कंडीशन मिल गई, लूप चलेगा बार बार, जब तक आई लेस देन इक्वल टू रेयर है तब तक लूप चलेगा। तो इसका मतलब प्रिंट करने के बाद हमें आई को प्लस प्लस करना पड़ेगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, इससे क्या हुआ, आई आ गया हमारा 3 पर, तो अब हम रुक जाएंगे, क्यों, क्योंकि आई जो है हमारा एक्सीड हो गया रेयर से, तो कंडीशन इज आई लेस देन इक्वल टू रेयर। तो यहां पर ऊपर मैं बॉक्स बना रहा हूं, बॉक्स से पता चल जाएगा, आई और रेयर को मैंने हाईलाइट करा, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि कब तक हमें चलाना है, जैसे ही आई एक्सीड होगा रुक जाएंगे। अब आएंगे हम फंक्शन पे, फंक्शन पे आने से पहले मैंने सेम कोड लिख दिया लेफ्ट साइड पे जो अभी समझाया। अब ध्यान दो, ये जो काम हो रहा है ये बार बार हो रहा है, यानी कि हमें क्या करना होगा, लूप के अंदर डालना होगा, प्रिंट वाली स्टेटमेंट, आई को इंक्रीज करने वाली स्टेटमेंट बार बार हो रही है। तो ये मैंने प्रिंट वाली जो प्रिंट करना है, ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, ये लिख दिया और ब्रैकेट में आई लिखा, और आई क्या हो रहा है बार बार एक एक से इंक्रीज हो रहा है, तो ये लिख दिया हमने आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि आई प्लस प्लस, इसको डाल देंगे हम लूप के अंदर। तो क्या करा हमने, ऊपर लगाया फॉर, लगाया दो सेमीकॉलन्स लगाए, लूप का पार्ट होना चाहिए कौन कौन से स्टेटमेंट, प्रिंट वाली और आई को चेंज करने वाली, तो इन दोनों को मैंने किस में डाल दिया, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाला। अब ध्यान देना, फर्स्ट सेमीकॉलन से पहले हमें ये लिखना होगा कि आई कहां से स्टार्ट होगा, आई स्टार्ट होगा दैट इज फ्रंट प्लस 1 से, तो हमने लिखा आई इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, कब तक चलेगा, जब तक आई लेस देन इक्वल टू रेयर है, तो ब्रैकेट में क्या आ गया, आई लेस देन इक्वल टू रेयर, और क्या कर रहे हैं, हर बार हम आई को एक एक से इंक्रीज कर रहे हैं, तो यानी कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 दैट इज आई प्लस प्लस। इसको हमें कहां लिखना चाहिए, जहां कंडीशन लिखी है उसके बाद, तो या तो आप ऐसे छोड़ सकते हो, एज इट इज छोड़ सकते हो, आई को इंक्रीज करने वाली लाइन लूप के अंदर ही लिखो, या फिर आपने जो आई प्लस प्लस लिखा हुआ है उसको कहां ले जाएंगे हम, ऊपर ले जाएंगे, तो ये मैं यहां पर ले गया। तो ये हो गया हमारा प्रिंटिंग का कोड। अब आएंगे हम कि प्रॉपर फंक्शन में हमें कैसे लिखना है, तो फंक्शन का नाम क्या होगा हमारा, दैट इज ट्रेवर्स, तो लिख दिया हमने void ट्रेवर्स ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। क्या क्या चाहिए, एरे चाहिए तो लिखा ए स्क्वेयर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, कॉमा क्या चाहिए, फ्रंट चाहिए, फ्रंट से स्टार्ट करना है रेयर तक जाना है, तो क्या लिखा इंट, आ गया हमारा दैट इज फ्रंट, फिर लिखा कॉमा, फिर क्या चाहिए हमें इंट, और आ गया रेयर। अब प्रिंट कब नहीं होगा, प्रिंट नहीं होगा जब खाली है, खाली कब होगा, जब फ्रंट और रेयर इक्वल है, तो हमने लिख दिया इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर, तो क्या लिख दिया अंडरफ्लो या फिर एम्प्टी, एल्स पार्ट, एल्स पार्ट के अंदर वो वाला सारा कोड लिखेंगे जो आपको मैंने समझाया एज इट इज। तो यहां पर मैंने एल्स का कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करा, और एल्स का कर्ली ब्रैकेट लास्ट में क्या कर देंगे हम, बंद कर देंगे। ये सारा कोड जो लिखना है वो कहां पर आएगा, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कौन से वाले कर्ली ब्रैकेट के अंदर, एल्स वाले के अंदर। तो हमने लिख दिया यहां पर, लिखा दैट इज प्रिंट, लिखा ये प्रिंट आ गया, ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, उससे ऊपर हमने लगा दिया फॉर, तो पहले तो फॉर का कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, और आई का आई लिखा, ए स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया आई, आई कहां से स्टार्ट होगा, फ्रंट प्लस 1, तो लिख दिया आई इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, एक एक का इंक्रीज हो रहा है दैट इज आई प्लस प्लस, और कब तक जाएगा, जब तक आई लेस देन इक्वल टू रेयर है। और साथ में आई वेरिएबल को डिक्लेयर करना नहीं भूलना। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लीनियर स्टैक जो हमने समझाया उन्होंने एज इट इज प्रोग्राम लिखा, एज इट इज प्रोग्राम, लेकिन हर बार उन्होंने हमें मैसेज करा सर मेरा प्रोग्राम वर्क नहीं कर रहा, और अधिकतर मिस्टेक कर रखी थी, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रखा। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आपका एटलीस्ट सी का बेस क्लियर होना चाहिए, जो भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हो उसको डिक्लेयर तो आपको करना आना चाहिए, या तो प्रॉपर देखो जो मैंने प्रैक्टिकल कराया उसको नोट करते रहो, या फिर बीच बीच में पॉज करके नोट करो, प्रैक्टिकल करो, तो मिस्टेक नहीं होगी। क्योंकि ऐसी सिली मिस्टेक्स के लिए मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है खुद ही चेक कर लो, आपका टाइम भी खराब ज्यादा होता है, मेरा भी टाइम खराब होता है। उसका रीजन सिंपल ये है कि सपोज करो रात को आप 10 बजे कर रहे हो,
और आप हमें स्क्रीनशॉट भेजोगे, और उस समय या तो मेरी क्लास होती है या फिर उस समय तक मैं सो जाता हूँ, तो मैं अपना फोन को एरोप्लेन मोड पर डाल देता हूँ, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, तो आपको नेक्स्ट डे के लिए वेट करना पड़ेगा। तो मेरी सब स्टूडेंट से हम्बल रिक्वेस्ट है कि कम से कम ऐसी मिस्टेक्स आप खुद चेक कर लो जिससे कि आपका टाइम बचे, ठीक है। तो वेरिएबल किसको डिक्लेयर कर देंगे हम, इंट आई को। ये हो गया हमारा ट्रेवर्स का फंक्शन, और साथ साथ में हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा एन क्यू डी क्यू एंड ट्रेवर्स, और अब हमें नेक्स्ट में क्या सीखना है, हमें सीखना है मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, हर वीडियो के बीच में मैं ये या तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ या फिर मोटिवेशनल वीडियो दिखाता हूँ। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अभी मैं आपको मोटिवेशनल वीडियो दिखाऊंगा, उसको ध्यान से देखना। ये रही वीडियो। आज हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की। दोस्तों, कलाम सर की बहुत सारी बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए, उनमें से एक बात मैं आपको शेयर करूंगी जो आपको जरूर पता। कलाम सर ने कुछ टिप्स दिए ग्रेट बनने के, हाउ टू बिकम ग्रेट, ग्रेट कैसे बना। कलाम सर ने चार टिप्स बताए ग्रेट बनने के। टिप नंबर वन, मस्ट हैव अ ड्रीम। हमें सपना जरूर देखना चाहिए जो हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। टिप नंबर टू, मस्ट कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज। हमें हमेशा नॉलेज रहते रहना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमें सब कुछ आता है। टिप नंबर थ्री, हार्ड वर्क। हमें सिर्फ मेहनत नहीं, खाली मेहनत ही नहीं, हमें सिर्फ बहुत मेहनत करनी चाहिए, बहुत ज्यादा। टिप नंबर फोर, नॉट अफ्रेड ऑफ प्रॉब्लम्स। जब भी हम अच्छा काम करने जाएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी। प्रॉब्लम से हमें डरना नहीं है, डरना नहीं है, हमें लड़ना है। क्या करना है? लड़ना है। दोस्तों, अगर आपने ये चारों टिप्स फॉलो कर लिए तो आपको ग्रेट बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ऐसे बहुत सारी कलाम सर की बातें हैं जो हम शेयर करें। बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, बैक टू द कंसेप्ट, मोटिवेशनल वीडियो से पहले मैंने आपको ये समझाया था, और मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है प्रैक्टिकल जरूर करना, क्योंकि आगे हमें मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम देखना है। इसके अंदर एक मिस्टेक है मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के अंदर, उसको मैं शेयर करूंगा, मतलब वो डिस्कस करूंगा प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है। और मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो और आप चाहते हो आपको कॉलेज में सबसे ज्यादा आता हो, तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है आप प्रीमियम कोर्स के लिए जरूर एनरोल कर लेना, क्योंकि फ्री लेक्चर्स के अंदर हम टॉपिक्स कवर करते हैं बट सारे नहीं करते, हमारी भी अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हो कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर नहीं कर रहे किसके अंदर, फ्री लेक्चर्स के अंदर, तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि एप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना, उस नोट्स के अंदर सारे टॉपिक्स होंगे जो हम कवर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है, लास्ट में थंबनेल आएगा, क्लिक करना और नेक्स्ट वीडियो को देख लेना। अगर अपलोड हुई होगी तो थंबनेल मिलेगा, अगर नहीं हुई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही नेक्स्ट वीडियो है आपके पास उसका लिंक पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।